न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम और प्रतिभा सम्मान समारोह वर्गो संस्कृति संस्था की ओर से ब्रज बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलावती भवन राणा प्रताप नगर छोटवाड़ा जयपुर में अध्यक्ष रूपाली राव सचिव रवि कश्यप के निर्देशन में न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि संरक्षिका कलावती देवी ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद शत्रुंजय कुमार सिंह प्रधान संपादक लाइव न्यूज नाउ ने प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का तिलक लगाकर व मुंह मीठा कराकर वेलकम किया। इसके बाद इस वर्ष 8वीं व 10वीं 12वीं बोर्ड में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 51 स्टूडेंट्स को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यार्थियों को यदि आगे बढ़ना है तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को निकालने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय निदेशक श्रीचंद खुड़िया ने छात्रों को आह्वान किया कि उन्हें आज की प्रतियोगी समय में अपनी मंजिल को पाने के लिए और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। मुख्य अतिथि कलावती देवी ने कहा कि अगर छोटे बच्चे की परवरिश करने में आधुनिकता के साथ परंपरा का भी सामंजस्य जैसे बनाया जाए तो देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर स्कूल के बच्चों ने अपने गुरु के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी गुरुओं से उनके जीवन में सफल होने के लिए आशीष लिया। इसी दौरान सूचना मंत्री सुनील जैन ने विद्यालय प्रधानाचार्य नमिता कुमावत ललिता देवी कोऑर्डिनेटर को आए हुए अतिथियों का माला व दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य नमिता कुमावत ललिता देवी कोऑर्डिनेटर को सूचना मंत्री सुनील जैन द्वारा माला व दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। या किसी के धक्का देके नीचे कैसे गिराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्ल्स और बॉयज दोनों कॉमन है। और आप लोगों के लिए ऐसे विशेष प्रोग्राम राजस्थान सरकार द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस टाइप के रखे गए हैं। ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं आजकल संस्था या समिति की तरफ से। इन्होंने सामाजिक संस्था है और ये स्कूल लेवल पे ज्यादा इस टाइप के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे बच्चे मोटिवेट हो और बच्चों स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर जितना कुछ कर सके उतना कम है। क्योंकि स्टूडेंट्स इस देश जो देश की बात करते हैं अपन, वो सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स के कंधों पे उसका भार है। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट ही देश का नाम रोशन करते हैं और देश की पृष्ठभूमि आधारशिला जिसे हम कहते हैं, जैसे मकान बनाने से पहले नींव बनाई जाती है, उसी प्रकार से ये नींव का काम देश के सभी बच्चे करते हैं। जब ही देश का नाम और सम्मान गर्व से लिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश इंडिया का नाम बहुत बड़ा हो चुका है। देश हमारा कमजोर कहीं से नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है। इस देश की पृष्ठभूमि बहुत ज्यादा सक्षम मजबूत हो चुकी है और आप सभी से हम सब यही प्रार्थना करते हैं और यही आशा रखते हैं कि आप भविष्य में इसी प्रकार से उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़कर देश समाज माता पिता अपने शिक्षकगणों का नाम ऊपर करते रहें और सम्मान के साथ जीवन यापन करें। आगे मैं जैन साहब सुनील जैन को संबोधन के लिए निवेदन करता हूँ कि 200 बच्चों को कहकर हम देखते हैं। हाँ बच्चों, आपने जो इस वर्ष में अच्छे अंक जो प्राप्त करे हैं, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आगे भी इस स्कूल विद्यालय में कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस वाले विद्यालय का नाम घोषित करें। और हमारे बीच में शत्रुंजय लैब न्यूज नाउ के प्रधान संपादक हैं, एक बार इनके लिए जोर से ताली बजाएं। और पुस्तक की ओर से मैं हमारे विद्यालय के निदेशक श्री चंद्र गुड़िया जी से निवेदन करूं माला व दुपट्टा पहनाकर का स्वागत करें। एक क्विज कंपटीशन भी होगा, वो आपको
चीजें टीवी से होगा, कौन बनेगा करोड़पति केबीसी, ठीक है, और जो विनर होगा उसको हाथों हाथ प्राइज भी दी जाएगी। और हमारे बीच शत्रुंजय सिंह जी को मैं कहना चाहता कि वो तो शत्रु के बिच्छू के लिए बोले। सबसे पहले इस विद्यालय प्रबंधक निदेशक प्रधानाचार्य शिक्षक बंधु आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों द्वारा कड़ी मेहनत करके बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया गया। सबसे बड़ी भूमिका विद्यालय में होती है शिक्षक की। परिवार में जैसे माता पिता की होती है वैसी भूमिका होती है विद्यालय की समस्त स्टाफ की। और रही बात विशेष रूप से बच्चियों के लिए, मैं बच्चियों के लिए विशेष तौर पर बता दूं, निर्भया टीम का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? हमारी निर्भया टीम में आपको मोबाइल की याद नहीं आई? कभी मोबाइल यूज नहीं किया पढ़ाई के समय? आपके जो पढ़ाई के समय क्या परिवार के लोग ये नहीं करते थे पीछे में आओ ये काम करो? मम्मी ने क्या सपोर्ट किया आपको? विद्यालय के टीचर्स ने आपको क्या क्या सपोर्ट किया? पूरा श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? सबसे पहले बेटा आप अपना नाम बताओ। आपका कितना परसेंटेज है यार? 90.6। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 4 से 5 घंटे में कभी आपको मोबाइल की याद नहीं आई? क्या देखते थे? वीडियोस, पढ़ाई रिलेटेड। आपके इस समय पढ़ाई रिलेटेड से लेकर के आपको किसने सपोर्ट किया? टीचर्स ने यहाँ पे क्लासेस लेते थे तो फिर मतलब यहाँ पे जो हमारे पढ़ाया वो फिर रिवीजन करते थे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किससे मिला? टीचर्स और स्पेशली पापा बहुत ज़्यादा मोटिवेट। उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि मतलब कितनी परसेंटेज आप लाओ, वैसे बोलते थे कि मतलब पूरा अच्छी मेहनत करो फिर। आप आपके ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बन के क्या करेंगे आप? सबसे पहले बेटा आप अपना करो। माय नेम इज कृतिका टैलेंट एंड आई एम फ्रॉम विश्वनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कितने परसेंटेज आपने प्राप्त किया? 89.40। किस क्लास? 12th साइंस। आप और कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? बस स्कूल क्लास में फोकस स्कूल कंसंट्रेशन से और घर पर जाकर रिवीजन करते थे। पूरा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पूरा श्रेय तो फैमिली भी है, पेरेंट्स और ऑफकोर्स टीचर्स भी, स्कूल के सब टीचर्स ने फिर मोटिवेट किया है, फैमिली भैया और इन्हें सबने किया है। सबसे पहले आप अपना परिचय। माय नेम इज सिया कुमावत, आई एम फ्रॉम ब्रिजवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड मेरे 12th में 82.20 परसेंटेज आए हैं एंड मेरे का सब्जेक्ट ECB है एंड हमारे टीचर्स ने हमारा फुल सपोर्ट किया है, कोचिंग में भी, स्कूल में भी, और बस वही पढ़ाई का तो सब कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए सभी को और जो भी टीचर्स बोले उनकी बात को फॉलो करना चाहिए एंड पेरेंट्स ने भी फुल सपोर्ट किया था, सब ने साथ दिया है। माय नेम इज साक्षी गांधी एंड आई एम फ्रॉम ब्रिजवाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 10।
मेरी परसेंटेज है 92.70। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 5 से 6 घंटे में कभी मोबाइल की याद नहीं आई आपको? मोबाइल की याद आती थी, लेकिन मैं कोई मोटिवेशन वीडियो या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ देख रहा होता था उसको। आपको कितना परसेंटेज आया? 92.70। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स। सबसे ज़्यादा कौन सी टीचर्स ने आपको पूछ सकते हैं, कौन से विषय में? इसके अलावा और टीचर्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया? कितने परसेंटेज आए उसमें? कितने नंबर आया थोड़ी आती थी लेकिन आपने यूज नहीं किया? घर पे किसी ने, भाई ने, मम्मी ने किसी को बोला है, किसी ने बोला है कि आओ किचन में काम करो या नहीं? किसी ने नहीं बोला। आप क्या बनना चाहेंगे? माध्यम से और अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? काम करना नहीं, मोबाइल आपने कितने घंटे यूज किया? आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी बिटिया कितने घंटे पढ़ाई करती है? इसका मैक्सिमम टाइम सिर्फ पढ़ाई पर रहता था, ना इसको खेल कूद में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी थी, ना कोई फोन वगैरह में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी थी। इसका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रहा है। हमें टीचर्स ने भी हमेशा इसकी बहुत बड़ाई की थी, बहुत सिंसियर लड़की है, क्लास में भी ज़्यादा किसी से बात करने की लड़ाई कर रहा है, कभी कभी हम कहती हैं क्या कभी आपने घर में डिस्टर्ब किया है? क्या जो कभी नहीं, तो ऐसे ही सपोर्ट आपका लगातार मिलता रहेगा, बराबर मिलता रहेगा। जो हम नहीं कर सके वो हम चाहते हैं हमारे बच्चे करें। या आपकी सोच अच्छी है। आज की महिलाएं, आज जब 95% देखा जाए, आज 95% देखा जाए कि बच्चों पे परिवार के लोग ध्यान नहीं देते हैं। नहीं देने का कारण है एक, वो है मोबाइल। 95% मोबाइल आए जो है मोबाइल पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, उस पर लगी रहती है। आपकी सोच अच्छी है। आप अगले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विद्यालय के माध्यम से? और अपने मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अपनी लाइफ का गोल यही होना चाहिए कि हमें कुछ बनना है। एम सिर्फ एक होना चाहिए हमारा। हमें अब ये मोबाइल्स वगैरह ठीक है, थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने एम की तरफ फोकस करें। हमें लाइफ में ये अचीव करना है, एक एम लेकर हमें चलना चाहिए। आपने सबसे बड़ी अच्छी बात बताई कि एम होना चाहिए। आप जैसे पेरेंट्स, अगर सबके पेरेंट्स हो जाए तो बच्चियाँ, हमारे भी लाइफ में कुछ एम था, बट परिवार में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। जो हम नहीं कर सके वो नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा सबसे पहले आप अपना परिचय बताओ। माय नेम इज रोहित कुशवा, आई एम फ्रॉम गुजरात, सर्विस इन सेकेंडरी स्कूल, आई वर्क बी ग्रेड इन क्लास 8। आपके कितने परसेंट आए? ए ग्रेड आई। आप आगे क्या बनना चाहेंगे? आफ्टर ट्वेल्थ मैं एमडीए की तैयारी करता हूँ। कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? मैं 2 से 3 घंटे पढ़ाई करता हूँ। 2 से 3 घंटे। मोबाइल कितने घंटे आप यूज करते हैं? पढ़ाई करने के बाद। क्या मोबाइल में आप क्या देखते हैं? मोबाइल में कभी मूवीज, कभी सॉन्ग्स, कभी कुछ पढ़ाई की वीडियोस। अच्छा, मूवी और वो देखने से कोई फायदा मिलता है? मूवी जब देखते हैं तो वो तो अगले को फायदा हुआ, आपको क्या फायदा होता है उसमें? मूवी सॉन्ग्स वगैरह मैं तब देखता हूँ जब मेरे को थोड़ा टाइम पास करना हो, वैसे पढ़ाई के लिए। टाइम पास करने के लिए आप खेल भी सकते हैं? खेल भी सकते हैं। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को यही कि सिर्फ खेलना कूदना ही नहीं, पढ़ाई भी करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ खेलना ही है, खेलना ही पढ़ना भी है। माई नेम इज रजमेरा, आई एम फ्रॉम रिजवान मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आई गॉट ए ग्रेड इन 8th क्लास। आपकी थीम क्या है? आगे क्या बनना चाहेंगे पढ़ने के? आगे मैं बिजनेसमैन बनना चाहूँगा। बिजनेसमैन बहुत अच्छी बात है। कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? 2-3 घंटे। मात्र 2 से 3 घंटे? 2 से 3 घंटे में क्या क्या आप पढ़ लेते हैं? मैं मैथ्स, मैथ में बहुत वीक है तो मैं इसी में ज़्यादा ध्यान देता हूँ और ऑल सब्जेक्ट्स में। एक सेकंड। सबसे पहले आपको लाइव न्यूज नाउ चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना ये चाहूँगा कि आज बच्चे इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं अपने विद्यालय से, क्या बच्चों को आप क्या प्रेरित करना चाहें? मैं दिन भर विद्यालय में नहीं रहती हूँ, बाहर रहती हूँ। बाहर रहती हूँ भी बच्चों को दिन भर टोकती रहती हूँ, बच्चों से खाने मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान, दिन भर टोकती रहती थी। यस को तो बहुत ज़्यादा टोकती थी और बच्चों को भी इधर उधर घूमते देखते तो बच्चों को, नहीं बच्चों आप घूमो, पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। दिन भर मेरा यही काम है कि मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ और यही चाहती हूँ कि अपने विद्यालय का नाम रोशन हो, आगे जाके हम जो नहीं कर सके हमारे बच्चे तो स्टूडेंट तो करें हमारे। आपके समय में मोबाइल नहीं था, वो घुमाने वाला था, वो तो कैसी में आया था हमारे फोन, कैसी में था वो तो घुमाने वाला था, सबसे पहले कुछ नहीं था। आज के पीढ़ी आते ही आज की जनरेशन में जो लगातार मोबाइल हाथ में, तो बच्चों को ये भी मोबाइल मत लिया करो, मोबाइल मत लो तो क्या करे, टीवी भी मत देखो, पर बच्चों का रुझान ज़्यादा तो मोबाइल की तरफ ही रहता है। तो इसमें माता पिता की भी तो गलती है, दे माता पिता दे दे, बच्चे ज़्यादा परेशान कर दे तो माता पिता को। आजकल मम्मियाँ ज़्यादा यूज करते हैं, मम्मियों के हाथ में 24 घंटा रहता है तो ले लेते बच्चे लड़ने करते। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? बच्चे को तो ये संदेश देना चाहते हैं कि आगे से आगे बच्चे और आगे से आगे उन्नति करते रहे, अपना भविष्य और ऊंचा से ऊंचा चढ़ा करे, जो भी कुछ बढ़ाओ मेहनत करो और अपना भविष्य और बढ़ाते रहो, माता पिता का नाम रोशन करो, विद्यालय का नाम रोशन करो, अपने टीचर्स का नाम रोशन करो, ये संदेश देना। मैं श्री चंद कुमार पुड़िया, बजबाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल निदेशक। सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को जिन्होंने स्कूल टॉप किया है, क्लास टॉप की है और अच्छे रिजल्ट्स देकर विद्यालय को जो गौरवान्वित किया है, उसका एहसास हमें ही नहीं आसपास में पूरे कॉलोनी वासी समाज बंधुओं को है और सभी, सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को तह दिल से विद्यालय की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से और सभी की ओर से मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं उनके उज्ज्वल भविष्य की, कि आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से वो उत्तरोत्तर प्रोग्रेस करते रहें, विद्यालय का, समाज का, पेरेंट्स का, टीचर्स का नाम रोशन करते रहें। आगामी जो भी बच्चे 11th क्लास या जूनियर क्लास में जो भी बच्चे हैं जो इस साल बोर्ड क्लास के अंदर अपीयर हुए हैं, उन सबको भी मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि आपके रिजल्ट्स आपका भविष्य है, आप अपने भविष्य को जितना मजबूत कर सकें वो रिजल्ट्स के पीछे ही होगा। और सबसे पहले मैं एक बात यह भी उन बच्चों को मोटिवेट के रूप में कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक मकान की नींव मजबूत होती है, उसी प्रकार से रिजल्ट्स भी उन बच्चों को एक मजबूत इमारत के रूप में खड़ा करते हैं और देश का जो भी भार उन बच्चों के कंधों पर
उन बच्चों के कंधों के हिसाब से बच्चे आगे, इसी प्रकार से मैं अपने विद्यालय की बात नहीं करूंगा अपितु पूरे राजस्थान और पूरे देश की बात करूंगा कि सभी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स को महत्व दें जिससे कि उनको मंजिलें आसानी से मिल सकें।